अस्सलामुअलैकुम गाइस, चलिए आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार सी रेसिपी। आज बनाएंगे हम अरबी गोश्त। बहुत ही इजीली बन जाती है, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। सो गाइस, वीडियो को स्किप ना कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आइए मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ मैंने कुकर लिया है और यहाँ 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल में अरबी गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनता है। सो आप सरसों के तेल में ही बनाइए, बहुत ही डिलीशियस बनेगा। तो यहाँ लिया है मैंने साबुत खड़ा गरम मसाला, यहाँ पर बड़ी इलायची, लौंग और ज़ीरा लिया है और दालचीनी, और यहाँ पर उसे डाल लेंगे तेल में और हल्का सा तड़क जाने देंगे। और जैसे ही ये तड़क जाए तो खुशबू आने लगेगी आपको। और यहाँ पर डालेंगे हम 2 बड़ी प्याज रफली चॉप्ड की हैं, और उसे डायरेक्ट ही तेल में डाल दीजिए। और जैसे गरम मसाला हमारा तड़क जाएगा, उसके बाद हमने प्याज डाल दी है, और प्याज को भी 1 से 2 सेकंड के लिए हल्का सा चला लेंगे, इसे ज़्यादा नहीं भूनना। और अब डालना है हमें जो हमने गोश्त लिया है वो इसमें ऐड कर देना है। और 2 चम्मच भरकर हमने डाले हैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट को डालने के बाद अच्छे से भून लीजिए जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। तो चलिए, मैंने इसे हाई फ्लेम पर करके 1 सेकंड के लिए इसे अच्छे से भुनाई कर ली है। लीजिए गोश्त का आप कलर देख सकते हैं, कलर भी चेंज हो चुका है, इतना ही हमें भूनना था। ये देखिए इस तरह का, और प्याज भी हमारी पिंकिश कलर हो चुकी है। सो देखिए इस तरह के आप जैसे ही भुनाई हो जाए गोश्त की, तो अब हमने डालना है यहाँ पर सूखे मसाले। तो यहाँ मैंने देख लेते हैं, यहाँ मैंने सूखे मसाले लिए हैं, कश्मीरी लाल मिर्च ली है और पिसी हुई लाल मिर्च ली है, और धनिया, नमक, हल्दी, और साइड में मेंशन है, आप उसे देख सकते हैं, और यहाँ डाल दीजिए। और यहाँ मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच इसमें दही का ऐड किया है। दही डालने से अरबी गोश्त में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इसे डालकर मसालों के साथ अब अच्छे से इसकी भुनाई कर लीजिए। तो मैंने सभी मसाले यहाँ पर डाल दिए हैं और फ्लेम को मैंने स्लो रखा है, और अब हमने करना है इसके अच्छे से भुनाई, और मसाले भी आपस में मिक्स हो जाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो चलिए जी, इसे मैंने चला लिया है अच्छे से, और 1 से 2 मिनट के लिए इसे भुनाई कर लेते हैं। तो चलिए, बस इतना ही हमें इसे भूनना था, और ज़्यादा बिल्कुल भुनाई नहीं करनी, क्योंकि अभी हमने इसे कुक करना है अच्छे से सीटी लगाकर। तो यहाँ पर मैंने इतना ही इसे आपस में मिक्स कर लिया है, मसालों को और प्याज को। तो चलिए जी, यहाँ पर इसे अब हम कवर करते हैं पानी डालकर, क्योंकि हमें गोश्त को गलाना है। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी यूज़ किया है, और यहाँ पर मैं 3 से 4 सीटी लगाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर मैंने पानी भी डाल दिया है, और चलिए इसका कवर कर देते हैं और 3 से 4 सीटी आने देते हैं। तो चलिए जी, 3 से 4 सीटी आ चुकी हैं, और इसे मैंने खोल कर देखा है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं गोश्त। तो यह है, बढ़िया से कुक हो गया है, इतना ही कुक करना है, 80% कुक करना है, 20% रहने देना है, क्योंकि अभी हमें अरबी के साथ भी इसे कुक करना है। तो चलिए जी, इतना ही काफी है, और ये कुक हो चुका है इस तरह का। तो 80% कुक कर लिया है, और अब क्या करते हैं, अब करना है इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई। इतनी भुनाई करनी है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ऑयल बहुत ही बढ़िया से सेपरेट होने लगा है, ये देखिए इस तरह का ऑयल आप बाहर निकलने लगा है, यानी कि भुनाई मसाले की बहुत अच्छे से हुई है। तो अच्छे से इसका ऑयल सेपरेट कर लीजिए, और आपको लगे कि अभी भुनाई नहीं हुई है फिर से आप इसकी भुनाई करिए, बट इसका ऑयल सेपरेट होना चाहिए। तो अच्छे से इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं अरबी को कट। यहाँ मैंने अरबी को अच्छे से पील कर लिया है, और मैंने अच्छे से इसे वॉश करके पानी में डिप करके रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह की अरबी ली है मैंने, और यहाँ मैंने 250 ग्राम अरबी ली है, और अरबी को मैंने 4 टुकड़े कर लेने हैं इस तरह। ये देखिए, आपको जैसा पसंद हो आप उस तरह का कट कर लीजिए। तो यहाँ मैंने अरबी भी अच्छे से कट कर ली है, और ये देखिए इस तरह का शेप मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने अरबी को भी कट कर लिया है, और पानी को मैंने पानी में डिबो कर रखा था, और ये देखिए इस तरह का मैंने कट कर लिया, और भुनाई भी गोश्त में अच्छे से हो गई है। तो चलिए जी, कट की हुई अरबी अब हमने सालन में ऐड कर देनी है, और साथ ही डालनी है 4 हरी मिर्च को रफली चॉप कर लीजिए। और यहाँ पर इसे हम पानी डालना है अब जितना हमने इसमें शोरबा रखना है। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 कप पानी का यूज़ किया है, और अब हम इसे फिर से कवर करेंगे और इसमें 3 सीटी आने देंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि हमारी अरबी अच्छे से कुक हो जाए। लीजिए 3 सीटी आ चुकी हैं, और अरबी भी हमारी अच्छे से कुक हो गई है। तो चलिए एक बार अरबी को भी चेक कर लेते हैं कि यह अच्छे से कुक हुई है कि नहीं।
तो चलिए जी, मैंने यहाँ पर ये देखिए कट किया है अरबी को, ये देखिए कुक हो चुकी है अरबी, कंप्लीट हो चुका है अब हमारा अरबी गोश्त का सालन। तो चलिए आइए, डिश आउट करने की बारी आ चुकी है। तो सबसे पहले डिश आउट करने से पहले कटा हुआ हरा धनिया डालना बिल्कुल ना भूलिए। और शानदार सी हमारी अरबी गोश्त की डिश बहुत ही डिलीशियस थी, घर पर ही तैयार हो गई है। सो गाइज, आप एक बार मेरे तरीके से बनाइए, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो यहाँ मैंने कर लिया है डिश आउट। और सो गाइज, आप इसे बनाकर मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि मैंने किस तरह बनाई है। सो गाइज, मैं आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो गाइज, मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ। अभी मेरे चैनल पे नए हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में नोटिफिकेशन बटन आता है आप उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी हर न्यू वीडियोस आने से पहले उसकी इंटीमेशन आपको मिल जाए। सो गाइज, मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए, मुझे इसी तरह प्यार करते रहिए। बाय।